क्या हुआ सर? किसको छुपा रहा है? कौन है ये लड़की? वो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, स्कूल बंक मार के यहाँ पे लड़की को लेके आया होटल में साले? अरे तो क्या हो गया, स्कूल से आया तो 18 साल से ज्यादा हम वो देख लो, आईडी कार्ड देख लो हम दोनों का। आप 18 साल से नीचे वाले को बोल सकते हो कुछ भी, हमको थोड़ी बोल सकते हो, लीगल है सब। ये तो खुद लड़की को लेकर होटल में आया है, ऊपर से मेरे को बता रहा है, साले अभी के अभी ना जेल में डाल दूंगा। मैं उससे शादी करने वाला हूँ इसीलिए उसको होटल लाया था, उसमें आपको क्या दिक्कत है? देख मैं मजबूर हूँ, मेरी बहन घर से भाग गई है तो मैं बस उसी की तलाशी में निकला हुआ हूँ, तो वही देखने आया था कहीं इस कमरे में तो नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि वो इसी होटल की तरफ भागी है। एक बार इसका चेहरा दिखा दे, मैं चला जाऊंगा। तो आपकी बहन गुम हुई है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थोड़ी जानता हूँ कि बहन को, क्या नाम है उसका? अंकिता। अंकिता? मैं नहीं जानता, आप तलाशी ले सकते हो कमरे की, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाऊंगा। देख तेरे से चुपचाप कह रहा हूँ, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखा दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें जो भी करना हो तुम शौक से करो, बस एक बार इसे बोल अपना चेहरा दिखाएगी। अरे सर कोई प्राइवेसी भी तो होती है, अब आप सोच लो आप मेरी जगह होते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का क्या चेहरा दिखाते सबको? देखो प्लीज आप जाइए यहाँ से। अच्छा पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करेगा? हाँ मैं बदतमीजी करूंगा, क्योंकि आप ऐसे घुस नहीं सकते किसी के कमरे में। तू एक काम कर, तू मेरे साथ ना थाने चल, तू साले आगे से कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चल। हाँ करा, मैं भी देखता हूँ कि तेरा भाई कौन सा तोप है। मेरे भैया भी पुलिस में ही है, अगर ज्यादा तुमसे बात कर लीजिए, लिए। हाँ करा, मैं भी देखता हूँ कि तेरा भाई कौन सा तोप है। भैया एक सेकंड बात करना किसी से। हेलो कौन? हेलो मैं डीसी रजत तिवारी बोल रहा हूँ। डीसीपी साहब? जी साहब, वो क्या है ना साहब, मेरी बहन। अरे तुम्हारी बहन का तुम खुद देखो, मेरे भाई को परेशान मत करो। लेकिन साहब मैं तो यहाँ पे होटल में चेकिंग करने आया था ना। ये चेकिंग वेकिंग मुझे मत सिखाओ, वरना वर्दी उतरवाने टाइम लगेगा। सॉरी साहब, सॉरी। हाँ ठीक है, मेरे भाई को फोन दो। जी साहब। दो फोन। हाँ भैया समझा दूंगा अच्छे से, हो गया ना बात, अब निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है जाता हूँ। अरे तुम पहले दरवाजा बंद करो। क्यों? अरे मैं सब बताती हूँ, पहले दरवाजा बंद करो। अबे यार एक तो पुलिस वाले ने परेशान कर दिया, इतनी मुश्किल से बंक मार के आया था, आ जाना क्या हुआ? वो मेरा ही भाई था। अरे हाँ वो तो मैं तभी समझ गया था जब उसने कहा कि अंकिता नाम है, अंकिता नाम की और कौन नहीं है। अच्छा सुनो अभी जाने दो उसको जो भी था, लेकिन तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई पुलिस में है? मैंने नहीं बताया होगा, भूल गई होंगी, पर अब बात ये है कि मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा है। अरे जाने दो, शक होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे भैया भी तो पुलिस में, वो देख लेंगे। अबे काम करो, जो काम करने के लिए अवेल है वो करते हैं। तो पागल ना हो, मेरे भाई को पता चला ना अगर कि मैं झूठ बोलकर यहाँ पर इस होटल में आई हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अरे तो क्या हो गया, हम होटल में आए क्यों थे अंकिता, ऐसे फालतू बातें सोची जा रही है तब से? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, सिर्फ यही सब करना चाहते हो ना? अरे अंकिता करता हूँ तुझसे प्यार यार, नहीं करता होता तो स्कूल बंक मार के आता क्या? अगर यही सब तुम्हें लगता है ना तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होटल में हम क्यों आए थे? अगर मिलना होता तो बाहर भी मिल लेते ना, यहाँ जो करने आए वो करने आए हैं, समझी? पैसे दिए हैं 100 रुपए के मैंने। देखो तुम चुप करो, तुम्हें बस इस सब की बड़ी है क्या? मेरी नहीं बड़ी, मेरे साथ तेरा भाई पता नहीं क्या करेगा, और उसे शक भी हो गया कि मैं ऐसी किसी जगह पर रहूंगी, ऊपर से पुलिस वाला है, उसको पता ही होगा कि लड़की अगर भाग जाती है तो कहां जाती है। ठीक है रहने दे, गुस्सा आ रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों आया था इस लड़की के साथ में। अंकिता देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कपड़े उतार रही है या नहीं? हाँ मैं भी आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। लड़की अपना नाम बताइयो। अनन्या। अच्छा फिर ठीक है, वैसे एक लड़की गायब हुई है उसका नाम अंकिता है, पुलिस वाला ढूंढ रहा है उसे। हाँ वो पुलिस वाले भैया यहाँ पे भी आए थे हमें पूछताछ करने, पर एक चीज बताइए ना, ये होटल है ऐसे कैसे हमें यहाँ पर लोग आके डिस्टर्ब कर रहे, हमने तो पैसे दिए ना यहाँ पर रहने के लिए। ये फोन में क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने कहा था तुम अपना मुंह नहीं दिखा रही थी इसलिए तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ। देखो ना ये क्या कर रही है। Hey, वीडियो कैसे बना रहे थे तुम इस लड़की की, समझ में नहीं आता तुम्हें? मेरी गर्लफ्रेंड है वो, कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है यार, कमरा लिया तुम्हारे होटल में। वो पुलिस वाले भैया ने कहा था इसलिए। अच्छा ज्यादा समझता खुद को, पुलिस वाले ने बोला था जाके उससे बात कर, यहाँ डिस्टर्ब मत कर, निकले यहाँ से।
तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तुम भी तो होटल में लेके आयो ना लड़की को। तुम्हारी भी तो मैं शिकायत कर सकता हूँ पुलिस से, तुम भी तो बिना मर्जी के लाए होगे लड़की को। तू मेरी कंप्लेंट करेगा? तो मेरी कंप्लेंट करेगा, मेरी कंप्लेंट करेगा, मेरी कंप्लेंट करेगा तू? बात सुन ले मेरी, जाके उस पुलिस वाले को बोल देना, उसको भी धमकी दे चुका हूँ मैं, समझा? यहाँ पे होटल में रहने के लिए आए तुम्हारे, निकल साला दोकोड़े का। प्रसन्न, होटल में जो करने आए ना वो तो मैं करके रहूंगा, और मैं किससे डरता नहीं हूं समझी? भाई मेरा डिसिप्लिन देख लेगा खुद, और तुम कपड़े उतारेगी या नहीं? लेकिन मुझे ये सब नहीं करना ना अभी, तुम खुद ही देखो मैं कितनी परेशानी में हूँ। भाई ढूंढ रहा है, अभी आया था अंदर, और अभी होटल वाला, इतना कुछ तो हो रहा है। और तुम सच सच बताओ, शादी करोगे ना तुम मुझसे? अरे यार अंकिता, शादी 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 कर लूंगा तेरे से यार, मैंने कौन सा मना किया कि शादी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो होटल पे करना है वो तो करके रहूंगा। प्रिंस देखो, मैं ये सब शादी के बाद ही करूंगी, उससे पहले कुछ नहीं। अबे दरवाजा कौन बजा रहा है? सुन, तेरा बाप कैसा दिखता है? चश्मा लगाते और सिर पे बाल थोड़े कम है। मेरे को लगता है तेरा बाप आया साथ में। क्या? अब मैं क्या करूं? एक काम कर, जल्दी से छुप जा, मैं तेरे काम कर वॉशरूम जा, मैं उनको बोल दूंगा कि लड़की वॉशरूम में थी, चल जल्दी जा। पापा, मैंने हर जगह छान मारा लेकिन बहन कहीं नहीं मिली, सिर्फ एक यही कमरा रह गया और ये मेरे को चेक भी नहीं करने दे रहा है। बेटा बेटा, मैं मानता हूँ वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसे कैसे भी लेके आए हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। बेटा देखो बेटा, मैं बाप हूँ, एक लड़की का पिता हूँ, अगर तुम भी लड़की के पिता होते तुम्हें पता होता कि बाप पर क्या बीतती है। देखो मैं आपके बेटे को पहले समझा चुका हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा मैं नहीं दिखाने वाला। बेटा तुम तो अपनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, तुम कैसे बोले जा रहे हो? अंकल जी मैं भी प्यार से ही बात कर रहा हूँ, अगर प्यार से बात नहीं कर रहा होता ना तब तक दरवाजा बंद कर चुका था। मैं समझ रहा हूँ आपकी बेटी गुम हुई तो बाहर जाकर ढूंढो ना, मैंने क्या जेब में डाली हुई है आपकी बेटी? बेटा तू बात करके देख इससे, देखो किस तरह से बात करे मेरे साथ। पापा करी थी मैंने इससे बात, लेकिन इसने उल्टा डीसीपी सर को कॉल पे लेकर मेरी बात करा दी। हाँ बोला था मैंने उन्हें भी कि मेरी बहन कहीं गुम हो गई है इसलिए मैं चेकिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो तो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए और बोलने लगे कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा अगर तू यहाँ से गया नहीं, क्योंकि वो डीसीपी साहब इनके भाई है ना इसलिए। देखो बेटा तुम अपने भाई की पावर का नजायज फायदा उठा रहे हो। भाई देख प्लीज, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार बस अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखा दे, हम यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे परेशान करने। बेटा मेरी उम्र देख, मैं तुम्हारे पैर पड़ता अच्छा नहीं लगूंगा बेटा, बस तो एक बार चेहरा दिखा दे उस लड़की का। अंकल जी देखिए ये सब मत बोलिए, वो वॉशरूम गई है मेरी गर्लफ्रेंड, अब जब आएगी तब दिखा दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। हाँ तो कोई नहीं ना, हम इतने इंतजार कर लेंगे। चलिए ठीक है बैठिए। पापा ये चप्पल तो जानी पहचानी लग रही है ना, ये अरे उसके जन्मदिन पर मैंने गिफ्ट की थी ये। अंकल जी झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, ये सैंडल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पे, क्या बोल रहे हो अपनी बेटी को दी थी, कुछ भी फालतू का रिश्ता मत जोड़ो समझे। अरे बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उसे गिफ्ट की थी उसके जन्मदिन पर। देखो अंकल जी मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने गिफ्ट दी थी अपनी बंदी को, और मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ यहाँ पे उसका चेहरा देखने के, मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, सैंडल छोड़े उसके नीचे। देखो बेटा तुम जितना भी झूठ बोलो, अब मैं ये सैंडल पहचान गया हूँ, ये मेरी बेटी की सैंडल है, समझ गए तुम? तेरा बाप बहुत बहस कर रहा है, एक बार समझा दे उसको, नहीं तो यहाँ से निकलो। अरे मैं अच्छे से पहचानता हूँ। अरे पापा हो सकता है ना कि उसकी ना हो, एक कलर की और भी तो हो सकती है, छोड़ो ना। अरे मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये अंकिता की चप्पल है। पापा पहचानता मैं भी हूँ कि ये चप्पल अंकिता की है, लेकिन अगर अभी हमने इससे बहस करी ना तो ये हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखने देगा, और हमें उसका चेहरा देखना बहुत जरूरी है, जब तो हमें पता चलेगा ना कि वो हमारी अंकिता है या नहीं। तो अभी इससे बहस मत करो, जैसा ये कह रहा है उसकी बात मान लो, और इससे यही बोलो कि हाँ हो सकता है और किसी का होगा, नहीं हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखने देगा। ठीक है हो सकता है उसकी ना हो। ए खुशबू क्या चल रही है, सैंडल छोड़, और हाँ
वो वॉशरूम गई, अब तक आई नहीं, फालतू में मेरा टाइम क्यों वेस्ट करो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए थोड़ी कमरा बुक कर रखा, अपने लिए कर था, निकलो यहाँ से। बेटा हर बात पे धमकाए जा रहे तुम, अरे हम तो सिर्फ पूछ ही रहे थे। तो चश्मा पहन रखा है, नया चश्मा लेके दो इसको, लगता है नजर कमजोर हो गई है, निकलो यहाँ से। अरे भाई अभी तो आपने बोला था ना कि देख लेना, और एकदम से अभी मना कर रहे हो। भाई देखो वॉशरूम से नहीं निकल रही है, उसको टाइम लग सकता है, आप लोग जाओ यहाँ से। अरे कोई बात नहीं ना, उसे कितना भी टाइम लगे हम यहाँ वेट कर रहे हैं। आप एक काम करो ना, एक बार आप जाकर देखो ना कि थोड़ा जल्दी आ जाए। एक काम कर, तू जाके देख, देख बोल रहा हूँ ना। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ पापा, आप चले जाओ। ठीक साले, यहीं के ये मार दूंगा समझा, वर्दी उतरवाने में टाइम नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। और अंकल जी आप बुढ़ापे में सटे आ गए हो, बेटी ढूंढिया, बाहर जाकर ढूंढिए, किसी कमरे में आकर ढूंढोगे क्या? होटल के मैनेजर से बात करी थी, उसने बताया कि आपने उसके ऊपर भी हाथ उठाया। हाँ मारा मैंने उसे, फोटो खींचने आया था, तूने भेजा था ना, साले खुद को ज्यादा होशियार समझता है, जैसे उसे मारा ना वैसे घसीट के तुझे मार सकता हूँ, बस वर्दी की लिहाज कर रहा हूँ। आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ ना, अगर मेरी जगह आप होते करो तो क्या आप ये सब नहीं करते? देख भाई मैं बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं भी हाथ नहीं उठा रहा तेरे पे, तू ज्यादा बोलेगा ना तो हाथ हटा दूंगा। चलो जो कुछ भी आप प्लीज एक बार जाकर उससे बात करिए, और उसे बोलिए कि थोड़ा जल्दी आए, वरना एक मिनट आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह तो होगी ना, आपकी गर्लफ्रेंड की, आप फोटो ही दिखा दो। चल ठीक है उसकी फोटो दिखाता हूँ, देखिए। अरे ये हमारी बेटी तो नहीं है? सच में यही आपकी गर्लफ्रेंड है? ए क्या बकवास कर रहा है, जिसकी फोटो दिखाई है वही मेरी बंदी है यार, बोल दिया एक बार, अब तुम्हारी बहन कोई और होगी, जाके बाहर ढूंढ लो यार, मुझे परेशान मत करो, मैंने अपने लिए कमरा बुक किया था, मेरे लिए और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे पापा की इज्जत कर लो, वो बुढ़ापे में अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, और तुम हो गए जिद पे अड़े हुए हो जब से। तुम लोग बैठो यहाँ पे, मैं और उससे बात करता हूँ, वहां पे आने की कोशिश मत करना। अबे यार तेरा बाप और भाई आ गए, अब क्या करूं? प्रिंस इनका ना बहुत हो गया, इनको तो अब मैं बताती हूँ, बाहर जाकर सब सच बता देती। भाग लोगी? चुप कर, फालतू में बना बना प्लान मत बिगाड़, और जाने दे उनको, जाने दे उसके बाद आना, तू बाहर ही मत निकल यार। प्रिंस तू पागल हो क्या, इनको बताना ना जरूरी है। सुन वो कह रहे थे कि फोटो ही दिखा दे, तो मैंने मेरी बहन की फोटो दिखा दी। पापा इस लड़के को कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया, अभी तक आया ही नहीं अंदर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमें पागल बना रहा हो। अंकिता बेटा तुम, तू साली इसके साथ अपना मुंह काला करा रही है, और यहाँ मैं और तेरा बाप परेशान हो रहे तेरे लिए, वो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? अरे क्यों किया ऐसा बेटा तुम्हें, हर जगह ढूंढ के देख लिया बेटा, अगर तूने शादी करनी थी तो अपने पापा को बता दी ना। एक बात बता दूं, मेरे दोस्त ने देखा था तुझे, उसी ने मेरे को बताया कि ये तो तेरी बहन लग रही है, ये इधर होटल की तरफ आई है, और इसके साथ में कोई लड़का भी है, और इसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। मेरे को पहले लगा कि नहीं यार कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, लेकिन जब मैंने घर पर पता किया, तू तो ना घर पर थी ना स्कूल में, और जब यहाँ आया तो यहाँ आकर ये लड़का भी झूठ बोलता है कि नहीं यहाँ तो तेरी कोई बहन वहन नहीं है ना कोई लड़की है, और मेरे को सब तो तेरे ऊपर पहले ही हो रहा था, जब तू मेरे को मना कर रहा था ना कि कोई नहीं है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा क्यों दिखाऊँ, भला चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत थी तुझे, और तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी, कम से कम घर वालों के बारे में सुन लेती, अपने बाप के बारे में, मेरे बारे में कितना परेशान हो रहा है तेरे को लेकर, लेकिन नहीं तुझे तो यहाँ पे ऐसे लड़ा नहीं दी। मेरे भाई और मेरे बाप ने मेरे बारे में सोचा क्या? आप लोगों को मैं गलत लग रही, और आप लोग क्या करते हैं? पापा आप मम्मी को धोखा दे रहे ना, पिछले 4 दिन से आप अलग अलग होटलों में ठहर रहे हैं, मम्मी को क्या बोला था, बिजनेस मीटिंग है ना, उन्हें क्या पता था 4 दिन से अलग अलग लड़कियों के साथ। छी पापा आप ऐसे किनौने काम करते होंगे ना, मैंने सपनों तक में नहीं सोचा था, कितने गंदे निकले आप। पापा आपने ऐसा किया? भैया ज्यादा शरीफ बनने की ना जरूरत नहीं है, आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, आप भी तो भाभी को धोखा दे रहे हो, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों मिलकर
बेचारी दोनों औरतों को धोखा दे रहे हैं। वो घर में बैठी यही आस में रहती है बस कि कब आप लोग घर आओगे, वो आपको खाना खिलाएंगी। उनकी जिंदगी तो पूरे आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, पर आप दोनों इतना सा भी नहीं सोचा ना आप लोगों ने अपनी बीवियों के बारे में। बाहर गए जो दूसरी लड़की दिखी मुंह मार लिया, यही था प्यार आप दोनों का? घर पे तो बड़ा दिखाते आपस में बहुत प्यार है, भैया आपकी तो लव मैरिज थी, क्या हो गया आपकी लव मैरिज को? प्यार खत्म हो गया सारा, दूसरे किसी पे प्यार आ गया? अरे जब मेरे घर के बड़े ऐसे हैं मैं क्या सीखूंगी? आज मैंने ये सब किया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बोल रहे हैं आप, इतनी चिंता हो गई थी। जब खुद रोज अपनी बीवियों को धोखा देते हो तब ये सब नहीं सोचा था? बेचारी उन्हें तो कुछ पता तक नहीं, अभी तक घर पर बैठी है बस पूरे दिन यही सोचती है कि बस आप अच्छे से रहो। अरे रात के 12 बजे भी आप घर पे जाते हो ना तो गर्मा गर्म खाना बनाती है आप लोगों के लिए, इसे प्यार कहते हैं। और आप लोगों को देखो। छोड़िए पापा, आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी पर आपने आज मेरे पाप होने का फर्ज खो दिया है। अंकल जी बताओ, शुक्र है कि आपकी तरह आपकी बेटी नहीं है और मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। बेचारी रो रही थी, कहने लगी कि इसकी माँ और इसकी भाभी, कहने लगी कि इसकी माँ और इसकी भाभी इसके पास आकर रोने लगी, कहने लगी कि हमें शक हो रहा है कि पापा बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं, किसी और रस्ते तो नहीं मिलते, क्योंकि कुछ मैसेजेस देखे होंगे उन्होंने फोन में, आपने जो कर रखे होंगे किसी को। फिर इसने बात वहां पे घुमा दी कि नहीं पापा तो ऐसे नहीं है, हंसी मजाक में कर रहे होंगे, वहां भी इसने आपको बचाया। और फिर मैंने बोला कि नहीं इनको सबक करना बहुत जरूरी है, फिर हमने प्लान बनाया। हाँ जिसको ऐसा देखकर बहुत बुरा लगा ना तो आपकी बीवियों को कैसा लग रहा होगा सोचिए। आज अपनी बेटी पे बीती तो बुरा लगा, उनके बारे में नहीं सोचा ना। बेटा ये बात घर पे मत बताना नहीं तो मेरा परिवार टूट जाएगा। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहन हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। ठीक है भैया, मैं आप दोनों को सिर्फ एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर फिर से ये सब आपने दोबारा दोहराया ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुधर जाएंगे, अगर नहीं सुधरे तो देख लीजिएगा बहुत गलत होगा। अंकल जी क्यों इस बुढ़ापे में अपना परिवार तोड़ रहा है? इतनी अच्छी बेटी मिली है, कम से कम समझदार है, आप लोग जैसे तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाओगे और मुझे माफ करना, ये सब नाटक करना पड़ा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और पेरस कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप प्लीज 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 फॉलो कर दो, फॉलो नहीं करते हो प्लीज फॉलो कर दो और वीडियो को शेयर कर दो प्लीज यार, सपोर्ट दिखा दो, शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल।